अब नेक्स्ट टॉपिक इसी का है, फिजिकल नेटवर्क्स कनेक्शन विद राउटर्स। अब राउटर्स के साथ इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है? राउटर्स इज अ स्पेशल पर्पस सिस्टम डेडिकेटेड टू द टास्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स। राउटर जो है वो स्पेशल पर्पस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर आप इंटरकनेक्शन इंटरनेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। या क्योंकि मैंने राउटर्स की आपको डेफिनेशंस बताई थी कि राउटर्स एक ऐसा नेटवर्क होता है, ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स को आप यूज़ करते हैं और उस नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर आप या तो सेम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप कुछ मैश इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ब्रिज इस्तेमाल कर सॉरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार इस्तेमाल कर रहे हैं, रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको यूज करते हैं, या फिर आप यूज करती हैं सेम किस्म के प्रोटोकॉल्स। तो राउटर्स में आप जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क का आपस में कनेक्टिविटी करवाते हैं विद सेम प्रोटोकॉल या डिफरेंट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड राउटर। A router can interconnect networks that uses different technologies, including different media, physical addressing and schemes and frame format. ये वो चीज़ें हैं router में connect करती हैं जिसमें different technologies आ जाती हैं और technologies के साथ उसमें different media आ जाता है, physical addressing schemes आ जाती हैं और frame formats आ जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके routers में आपको फेस करने पड़ जाते हैं। फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन विद राउटर्स के साथ हो तो आपको देखा होगा ये एक टोपोलॉजी है, नेटवर्क का एक सेट है, ये दूसरा नेटवर्क का एक सेट है, या हो सकता है ये दोनों सेम टोपोलॉजीज को इस्तेमाल जो सेम प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रहे हों, और हो सकता है कि ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हों। तो कनेक्टिविटी राउटर्स की दोनों तरह एक्सेस हो जाती है, बेशक सेम प्रोटोकॉल हो बेशक वो डिफरेंट प्रोटोकॉल हो।